पांच अमीर बहुओं का नौकर बिना ससुराल। वल्लभगढ़ गांव में आज शादी का खुशनुमा माहौल छाया हुआ था। आखिरकार लीलावती आज अपने पांचों बेटों की शादी जो कर रही थी, जिसे देखकर लीला की सालों पुरानी सहेली रज्जो कहती है, क्या बात है लीला, आज तो तेरा चेहरा चकमक के जैसे चमक धमक रहा है। अरे ये भी कोई कहने पूछने की बात है, आखिरकार आज मैं इकट्ठे पांच बहुओं की सास बनने जा रही हूँ। अभी तो मेरा चेहरा चमक रहा है, मगर कल से मेरे घर का फर्श भी शीशे के जैसे चमक उठेगा जब मेरी पांचों बहुओं के हाथ पांव इस घर में पड़ेंगे। दरअसल पांच बहुओं की आड़ में लीला देवी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वैसे तो वो खोजने निकली थी बाई, मगर फिर उनके नजर अपने बेटों के चेहरों पर घिर गई। फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा के लीलावती बन गई पांच बहू रश्मि, रजनी, पूर्वी, परिणीति और सीता की इकलौती सास। आओ आओ मेरी पांच परिंदो, इस नए बसेरे में तुम्हारा स्वागत है। शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी, जाओ जाकर आराम फरमाओ, क्योंकि कल से तो ये आराम हराम हो जाएगा। इसी के साथ लीलावती की बहू कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह लीला घर में टंगी घड़ी की ओर निहारती हुई अपनी बहुओं के कमरे में ताका झांकी करते हुए कहती है, शादी के पहली सुबह ही इनका ये हाल है, सबेर के 7 बजे तक भी इनके सुख बुगाने की आहट नहीं। काफी देर बाद पांचों बहू अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जिसे देखकर सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे कम वक्त, ये कोई बखत है नई नवेली बहू के जागने का, इतनी देर सवेर से जाग कर सोफे पर पसर गई, पांचों हाथ पांव हिलाने डुलाने का मन नहीं है क्या? मगर सासू माँ, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, माँ ने कहा था बगैर हाथों की मेहंदी छूटे बहू काम नहीं करती। तेरी माँ की सीख गई तेल लेने, जल्दी से पाचे उठो और काम पर लग जाओ, शादी के कारण सारा घर बिखरा हुआ है, बाथरूम बारात भर के कपड़ों से भरा है, 2 लुगाई लेते धो और 2 सफाई में लगो, और तू सीता बहू कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। फिर क्या था, पांचों बहू एक ही सुरताल के साथ कामों में लग जाती हैं। माँ जी सारा काम सफा चट हो गया। शाबाश, ये हुई ना बात, सर्वगुण संपन्न बहुओं वाली बात। अरे सीता बहू, तेरा तामझाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्या खीर बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी, जरा जल्दी कर। सीता बड़े से बाउल को अपनी सास के सामने परोस देती है। तभी लीलावती बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, अरे बहू ये खीर को हल्दी कब से लगने लगी? माँ जी ये खीर नहीं बल्कि मैगी है, इसके सिवा मुझे और कुछ पकाना आता कहाँ है। बेचारी सास की आस पर पानी फिर जाता है, जिस मारे वह माथा पकड़कर जमीन को निहारती है, तभी उसे सोफे के नीचे कूड़े का ढेर नजर आता है। अरे रश्मि और रजनी बहू, ये किस उलझुल तरीके से सफाई की है तुम पुअरों ने, घर के कोने कोने में कचरा नजर आ रहा है, अरे नजर झुकाकर निगाह तो दौड़ा लेती। माँ जी माफ करना, मगर हमें ताका झाकी करने की आदत नहीं। हाय री मोरी मैया, मैंने तो सोचा था कि पांच बहू आ जाने से मेरा घर स्वर्ग के जैसे निखर सवर जाएगा, क्या पता था कि पांचों पनौती निकलेंगी, किसी को सफाई नहीं आती तो किसी को खाना पकाना नहीं, अब मुझे खुद ही इन खच्चरों को खाना पकाना और घर संभालना सिखाना होगा। लीलावती अपनी पांचों बहुओं को ससुराल का काम काज सिखाने लगती है। इस बीच एक सप्ताह का समय बीत जाता है। तो मेरी पांचों बहुओं तुम तैयार हो ना, आज तुम पांचों का ट्रायल है, जो सफाई के साथ अपना काम करेगा उसे सर्वगुण संपन्न बहू का ताज मिलेगा। जी माँ जी। फिर पांचों बहू काम में लग जाती है, कोई बहू लोट पोट होकर सफाई करती तो कोई बर्तन मांजती तो कोई खाना पकाती, और लीला हॉल में लगे घड़ी पर निर्धारित समय पूरा होते ही पहुंच जाती है सभी के कामों का दौरा करने। सबसे पहले रसोई घर का रुख करती हूँ। हाय रे मेरे फूटे करम, अरे ओ करम जली, ये खाना है या कोयला, जली हुई रोटी या पके चावल, और सब्जी में तो मसालों की भरमार है। क्यों री रश्मि बहू, ये किस हिसाब किताब से बर्तन मांजे हैं तूने, मेरे सारे महंगे कप तोड़ फोड़ डाले। माँ जी इट्स नॉट माई मिस्टेक,
कप मेरे हाथों से खुश नहीं थे, इसलिए कपों ने मेरे हाथों से कूदकर आत्महत्या कर ली। हाँ माँ जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। करछी चम्मच मेरे संभाल में नहीं आ रही थी, दाल पर नजर दौड़ा रही थी तो रोटी कोयला बनी जा रही थी। इतने पर लीला गुस्से से गरजती हुई जैसे रसोई घर से निकलती है, फर्श पर लगे पोछे के कारण फिसल कर औंधे मुंह गिर पड़ती है। हाय रे मेरी कमर। ओह माँ जी, बढ़ा दी ना मुझ बहू की मेहनत, अब फिर पोछा लगाना पड़ेगा मुझे। धत, अरे नास पीटी ऐसे लगाते हैं, पोछा पूरे घर में पानी पानी कर रखा है, अभी मेरे कदुआ फूट पड़ता तो क्या होता। अरे तेरे सास की समाधि यहीं बन जाती। तुम पाचों के पीछे सर खपाना खुरहा खच्चर से खेत चराने बराबर है। मेरे लाख मेहनत के बाद एक भी काम नहीं कर पा रही, तुम बहुएं बस बिगाड़ना जानती हो। सास का गुस्सा देख कर पांचों बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। बस आसुमा, हम बहू हैं इस घर की, बाई नहीं। अरे ये तो गनीमत समझिए जो हम पांचों बहू का फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हैं, वरना हम अपने घरों में हम पांचों बहनें खुद का हाथ पांव चलाकर पानी भी नहीं पीती थी। क्यों, वहां क्या कौन पीकर काम चला लेती थी? माँ जी, आप ना जब मुंह खोलेंगी उल्टा ही बोलेंगी। हमें काम करने की जरूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे घर में आधे दर्जन नौकर की फौज थी। हमारी मानिए तो आप भी बाई ले आइए, क्योंकि ये चूल्हा चौका हमारे बस की बात नहीं। नौकर की मांग करके पांचों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी रज्जू लीलावती से मिलने आती है। क्या बात है लीला बहन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पर पांच पांच बहुओं के रहते ये घर बार बंगार की दुकान में क्यों बदला है? यही तो सारा रोना है रज्जो, मेरी पांच बहुएं पनौती हैं, पनौती कहती है हमसे नहीं होगा काम, नौकर की डिमांड कर रही हैं। ये शहर की मॉडर्न बहू तेरी ही तमन्ना थी, इसलिए भाई की फरमाइश कर रही हैं। हाँ रज्जो, अब पल्ले पड़ रहा है, मॉडर्न बहू की बजाय बोर्डम बहू लाई होती तो नौकर की मांग नहीं करती। कोई नतीजा ना निकलने पर लीला बिजली नाम की एक नौकर को घर बुलाती है। माँ जी, ये कौन है? मेम साहब, मैं मेरा इंट्रो देती हूँ, मैं हूँ बिजली, आप सास बहू की नौकरानी बोले तो बाई। ये सुनकर पांचों बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और पांचों अपनी फरमाइश देती हैं। बिजली, जरा जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो, और मेरे लिए कॉफी, और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। बरोबर, अभी बना कर लाती हूँ। ठहर जा बिजली, तुझे पगार मैं दूंगी, इसलिए पहले जाके मेरा नाश्ता बना। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले तुम हमारा ऑर्डर पूरा करोगी। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले बनेगा नाश्ता फिर पास्ता। खाने के खातिर सास बहू के बीच की बहसबाजी झुंझलाहट के साथ झगड़े का मोड़ ले लेती है। ये देखकर बिजली सास और पांचों बहू पर पिनकती हुई कहती है, आइला कितना लपड़े बाजी है तुम सास बहू के बीच। देखो मेम साहब, मैं बाई है हलवाई नहीं, पहले ही 5,000 की पगार में झाड़ू कटका कर रही है मैं। एक बार में एक ही डिश पकाएगी, खाने का है तो बोलो, नहीं तो बिजली चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ये सुनकर सास बहू के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और बिजली के गोल होने की बात से सभी कुसुर पुसुर करने लगती है। सोच क्या रही हो, इतने कम बजट में बाई मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ रश्मि सच कह रही है, मुश्किल से तो माँ जी ने नौकर रखा है, अगर बिजली चली गई तो ससुराल का तामझाम हमारे सिर आ गिरेगा। 2 मिनट बाद, हमें मंजूर है बिजली, तुम जो बनाओगी हम खुशी से खा लेंगे, बस तुम हम बहुओं के जीवन में अंधेरा करके गुल मत होना बिजली। ठीक है, अब काली पीली बटरिंग बातें नक्को करो मीम साहब। इस तरह बिजली के बाई बनकर आ जाने से काम को लेकर हुई सास और उसकी पांचों बहू की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। खटिए पर पड़ी त्रिवेणी जोर जोर से खांस रही थी। कुछ महीनों से वो बीमारी की बिछौने की जकड़न में थी। उसका बेटा खेतन खेतों में बनिहारी किया करता था। बदले में जो 4 पैसे आते उससे बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर चलता था। उसकी बीवी सीता बेहद ही सुलझी हुई स्वभाव की थी। ठंड की बहती बयाड़ में घर की ओट पर बैठी हुई सीता खेतन के आने की राह देख रही थी। अरे आ गए आप, मैं आपकी ही बाट जो रही थी, राशन लाई है ना? हाँ सीता, भगवान ने नजर फेर दी, वरना जमींदार तो आज भी पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा था। ये गरीबी की मार किसी मौत से कम नहीं, हड्डियाँ तोड़ कर मेहनत करने के बावजूद भी भिखारियों की तरह एक एक पाई के लिए जमींदार के आगे हाथ पसारना पड़ता है। अजी दिल छोटा ना करो,
भगवान एक न एक दिन हमें इस गरीबी से निजात जरूर देगा। माँ जी को दवाई देने का वक्त बीत रहा है, मैं जल्दी से चूल्हे पर खाना चढ़ाती हूँ। अरे सीता, तुम्हारे हथेले की चूड़ी कहाँ है? अजी, कच्ची चूड़ी तो काम करती टूट ही जाती है। तुम भी सोचती होगी ना सीता कि कैसा गरीब पति पल्ले पड़ा है तुम्हारे, जो तुम्हें खुला खर्चा देना तो दूर, बाँह भर चूड़ी भी नहीं लाकर देता। अगर तुमने मेरी तीनों बहनों के ब्याह में अपने जेवर न बेचे होते तो आज तुम्हारी कलाई में तुम्हारे बाबूजी के दिए सोने की चूड़ी सजी होती। अजी, लगता है आप भूल गए हैं कि आपकी बहन नाते में मेरी नंद है और मैं उनकी भाभी। जेवर तो क्या, मैं उन पर अपनी जान भी न्योछावर कर जाऊं। सीता का जीवन घनघोर गरीबी में घिरा हुआ था, मगर उसके मन में धन पाने की होड़ नहीं, क्योंकि उसके लिए धन कमाने से बढ़कर परिवार का मोल था। सीता झटपट से खाना बनाकर अपने पति को परोसकर त्रिवेणी को खिलाने लगती है, जिसके सास के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो खुद खा सके। इसलिए सीता बहू बेटी से बढ़कर उसका ख्याल रखती। समय बीतता गया। फिर एक रात सीता की तीनों ननद बिगड़े हुए भेष में, आंखों में आंसू लिए, नंगे पांव भागती हुई अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। भाभी! राधा, जिया, तारा, क्या हुआ? तुम तीनों ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? एकाएक सीता की सोंझी नजर अपनी तीनों ननद के उभरे हुए प्रेग्नेंट पेट पर घिर जाती है और उसके मन में अपनी तीनों प्रेग्नेंट ननद की बिगड़ी दशा को देख कर तूफान उमड़ पड़ता है। भाभी, हमारी सास को जब पता चला कि हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने हमें जबरन जोर जबरदस्ती के साथ रातों रात घर से खदेड़ दिया। मगर क्यों? कल्याणी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? भाभी, माँ जी ने अपनी पुराने रूढ़ीवादी रीत रिवायत की गठरी हम तीनों के घर पर लाद दिया। वो कहती है कि बहू का पहला बच्चा मायके में होता है। जब हमने यहाँ आने से मना ही की तो उन्होंने हमें दाने दाने पर आफत कर दी। ये कहते हुए तीनों ननद की दर्द आंसू बनकर बहने लगता है और सीता उन्हें सांत्वना देकर कहती है, बस चुप हो जाओ तुम तीनों। गर्भावस्था के इस पड़ाव में रोना पीटना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। इस भाभी के रहते मेरी ननद भूखी नहीं रहेगी। सीता अपनी तीनों ननद को खाना देती है। खाने के बाद उसकी तीनों ननद नींद के आगोश में समा जाती है। तभी खेतन लंगड़ाता हुआ घर में घुसता है। उसके एक पाँव में गहरी पट्टी बंधी हुई थी। अजी, ये आपके पैरों को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं सीता, जमुना दास के बंजर खेत की जुताई कर रहा था, गलती से पांव हल में घायल हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने दवा दारू दी है और 6 महीने की छुट्टी दे दी। कुछ भी समझ बूझ में नहीं आ रहा। अब खेत की बची खुची जुताई बुआई कैसे निपटेगी? अरे सीता, ये तीनों कब आई? सीता खेतन को सारी बात बताते हुए बोलती है, अजी इस वक्त मेरी तीनों नंद गर्भ से हैं। अगर हम सभी घर में बंध जाएंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसीलिए कल से आपके बदले मैं जमींदार के खेतों पर काम करूंगी। अगली सुबह सीता सूरज की लालिमा के साथ जागकर घरेलू कामों का निपटारा करके खाना पका देती है। तारा, राधा, सिया, मैंने खाना बना दिया है, तुम तीनों समय से खा लेना, मैं खेत पर जा रही हूँ। भूखी प्यासी बहू कड़ी मेहनत और बड़े बल के साथ बंजर जमीन की जुताई करती है। इस बीच उसका सारा शरीर पसीनों में तर हो जाता है और गहरी सांस भरती हुई गरीब बहू बोलती है, नहीं सीता, तेरी मजबूरियां तुझे इतनी जल्दी थकने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि इस भाभी के कंधे पर 3 गर्भवती नंद की भूख का भार सवार है। अपने ही शब्दों में खुद को हिम्मत देती हुई गरीब बहू बिना रुके बीजों की बुआई करती है। देखते ही देखते सूरज ढलना शुरू हो जाता है। तभी जमीन का मालिक जमुना दास वहाँ आता है। अरे बहुत खूब, खेतन की लुगाई, तूने तो सुबह से सांझ भर में जुताई बुआई दोनों निपटा दिया, बड़ा जोड़ है तुझ में। गरीबी और भूख श्रम करना सिखा देती है काका। मेरा मेहनताना दे दीजिए, मुझे राशन पानी खरीद कर घर पहुँचना है। मेरी गर्भवती नंद मेरी राह देख रही होंगी। हाँ, ये रहे तेरे दिन भर के पसीने के पैसे। दिन भर के श्रम के बाद सीता का चेहरा फीका पड़ चुका था, मगर अपनी भूख को भूलकर गरीब बहू बनिए की दुकान पर आती है। बैजू, जरा जल्दी से 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दो। अरे अभी पहले का उधार बाकी तो चुकता किया नहीं कि चली आई एक नया उधार मांगने। सीधा सा फंडा है भौजाई जी, पैसा दो, राशन लो। हाँ, पैसे है ना मेरे पास, ये लो पूरे 1000 रुपए हैं,
इसे बही खाते में लिखा हिसाब काट कर बाकी का राशन दे दो। सीता के हाथों से पैसे लेकर बेईमान बनिया बैजू पल्ला झाड़ते हुए कहता है, अरे खड़ी क्यों हो, 1000 रुपए का हिसाब पूरा हो गया, चलो रास्ता नापो अब। ये सुनकर सीता की आंखों से बह रहे आंसू मुरझाए चेहरे को भिगोने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं इतने निर्दयी न बनो बैजू, मेरी तीनों नंद गर्भ से है, अगर तुमने राशन नहीं दिया तो इस गरीबी में मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, मैं विनती करती हूँ थोड़ा अनाज बांध दो। गरीब बहू की आंखों से बहते आंसू देखकर बनिए का दिल पसीज जाता है और वो थोड़ा राशन तोल देता है। ये लो 1 किलो आटा और पाव भर दाल है, उठाओ और जाओ। सीता राशन लेकर घर आती है और चूल्हा फूंक कर दाल रोटी बनाकर अपने पति और सास को खिलाकर अपनी गर्भवती ननद को खिलाने लगती है। इस बीच कभी तवा खाली होता तो कभी थाली और देखते ही देखते रोटियों का थाक खत्म हो गया। ये क्या भाभी, सारी रोटियां तो खत्म हो गई, आपने भोर को भी कुछ नहीं खाया था और हमारे चलते अभी भी आपको भूखा रहना पड़ेगा। अरे तुम तीनों मेरी चिंता मत करो, मैं खेत पर खाना लेकर गई थी, उसी से पेट भरा है। बस भाभी आपका बुझा हुआ चेहरा देख चीख चीख कर ये कह रहा है कि दिन भर के बीच में आपके पेट में एक दाना भी नहीं गया। राधा इस घड़ी मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हारी भाभी तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेगी। ऐसे ही समय तेजी से बीतता जाता है। गरीब बहू को जो भी छोटा बड़ा काम हाथ आता वो उसे किया करती, कभी खेतों में बनिहारी तो कभी ईंट की भट्टियों में बोझ ढोने का काम। आखिरकार उसकी महीनों की मेहनत ने बड़ा प्रतिफल दिखाया, उसकी तीनों ननद ने 9 महीने के पड़ाव को पार करके प्यारे से बेटों को जन्म दिया। मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, आज से तुम्हारा ओहदा दुगना हो गया। भाभी हमारे बच्चों पर असली हक आपका है, हमने तो केवल इन्हें कोख में रखा मगर आपने रोजाना अपना खून पसीना बहाकर इन्हें सींचने के लिए बड़ी मेहनत की, बावजूद उसके खुद हर दूसरे दिन भूख की आंख में धधकती रही। हाँ भाभी बस अब हमारी बारी है, हम तीनों ननद मिलजुल कर आपके बोझ को बांटेंगी। इस तरह सीता की तीनों ननद बारी बारी से उसके साथ बनिहारी करने लगी, जिससे घर चलना आसान हो गया। अब खेतान भी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो गया और सभी की साझेदारी से उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी का बदरा छटना शुरू हो गया। सीता ने बुरे हालातों में भी हार नहीं मानी, जो उस गरीब बहू की बहादुरी को दर्शाता है। सास का बहू पर दहेज अत्याचार। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है, जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगपेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है। अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी आज्ञा दीजिए चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे, जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा जरा वो तोहफा तो लेकर आना। जी पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है, अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते, पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी अब आज्ञा दीजिए मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं। हाँ 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 बेटा जरूर। तभी पंकज दिव्या सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक है, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्ला कर कहती है, अरे ओ नास पीटी करमचली बेहया, सूरत सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई, अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है, जा जाकर बाकी का काम कर या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया मैं तो मर गई रे, अरे मार डाला रे करमजली नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया,
साजिश की है तूने मुझे मारने की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करमजली नासपीटी बकवास कर रही है, ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे, बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक, अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना। पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म। माँ जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आपके हिसाब से ही नमक डाला है, मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चाटा खींच कर मारती है। आह माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है, चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है, अरे बैठ, अरे दिव्या जल्दी से पानी लेकर आ, ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं, पंकज जी क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा, जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे, सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है, जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया, यहाँ तक कि आपने जो बोला पैसे जेवर गाड़ी हर डिमांड पूरी की है, अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती, और जवाब देती है, अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मार कर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ, बता लाएगी कि नहीं लाएगी। ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है। पंकज जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है, और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना, चल फोन कर अपने बाप को। जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा कैसे हो आप, वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल, और ये क्या आवाज क्यों आ रही है, तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे, चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहाँ उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है, पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या तेरे शरीर पर ये निशान कैसे है, पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी, मैं तो चोट लग गई, मैं खुश हूँ भैया। अच्छा गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहाँ जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी, सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नरक हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। हे, मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ, कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं, कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे लाकर दिए हैं, क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी कितना मांगेगा। तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती, जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं हैं?
माँ ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा। तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। माँ जी ने रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए, माँ जी आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देख कर कहता है, इंस्पेक्टर साहब मैंने कहा था ना ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है, देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इसे। क्यों रे बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, तुझे अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है? थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उधर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ, ये मुझे मार डालेंगे, बार बार दहेज मांगते हैं, पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ, ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है, दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीब का क्रिसमस। मार्था के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, मार्था उसका पति जॉनी और दो प्यारे बच्चे मैरी और डेविड। जॉनी एक चर्च के बाहर मोमबत्ती और फूल बेचा करता था, जिसकी बिक्री के बदले में जो 4 पैसे उन्हें मिलते उन्हीं से घर का गुजर बसर चलता। कम आमदनी में भी मार्था के परिवार में खुशियों की बड़ी चहल पहल थी, मगर कुछ वक्त बाद जॉनी दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। जॉनी के ऐसे चले जाने से मार्था का चेहरा मुरझा गया था, साथ ही उसके बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरे पर मायूसी का मंजर छा गया। गॉड जीसस, ये कैसी गरीबी है कि एक माँ अपने बच्चों के खातिर पेट भर दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही। रो मत माँ, आपको याद है चर्च के फादर हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी दुख हमारे घर का द्वार खटखटाते हैं या जीवन में दस्तक दे जाए तो हमें आंसू नहीं बहाना बल्कि प्रे करना है। अपनी बेटी मैरी में सूझबूझ भरे शब्द सुनकर मार्था के आंसू बहना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद मार्था अपने भूखे प्यासे दोनों बच्चों डेविड और मैरी के संग चर्च आकर घंटों घुटनों पर जीसस से मन ही मन प्रे करती है। जीसस मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं मगर इन्हें खिलाने के लिए मेरे पास एक दाना भी नहीं। मार्था की आंखों से बहते दुख को देखकर फादर थॉमस उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हे माय चाइल्ड व्हाट्स हैपेंड? फादर मेरे पति जॉनी हमें छोड़कर चले गए, मेरे बच्चे पिछले 2 दिन से भूखे हैं मगर मुझ गरीब माँ के पास एक खोटा सिक्का तक नहीं जो मैं इन्हें खाना खिला सकूं। डरती हूँ कि कहीं इन्हें जिन्हें कोख में रख कर गोद से पांव पर खड़ा किया वह भूख के कारण मौत का कौर ना हो जाए। जीसस ऐसा क्यों कर रहे हैं? माय चाइल्ड इसके पीछे जीसस का जरूर कोई खास मकसद होगा, ये कुछ पैसे लो। शुक्रिया फादर। इसी के साथ मार्था अपने बच्चों की बाह थामे बाहर की ओर बढ़ जाती है, तभी भूख से तमतमाते हुए उसके बच्चों के कदम एक खाने के ठेले पर रुक जाते हैं। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मार्था दुकानदार को पैसे देकर कुछ खाना मोल लेती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे ललक पड़ते हैं। तभी डेविड अपनी माँ के फीके मुरझाए चेहरे को देखकर उसकी भूख भांप जाता है। माँ 2 दिन से आपने भी तो खाने का एक दाना भी नहीं खाया, आप भी खाओ। थोड़ी देर बाद मार्था अपने बच्चों के लिए घर लौट आती है। अगली सुबह मैरी कैलेंडर देखकर खुशी से इचलाती हुई कहती है, देखो माँ दिसंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस आएगा और सेंटा इस बार भी हम दोनों भाई बहन के लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे, हम केक खाएंगे और बड़ी सी पार्टी करेंगे। मैरी की आंखों में नाच रहे क्रिसमस मनाने के ख्वाब को देखकर मार्था मन में कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैरी कि हर साल सेंटा के भेष में आने वाला शख्स तुम्हारे डैडी थे जॉनी, जो हमें छोड़कर जीसस के पास जा चुके हैं। आज से दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका है, कुछ ही दिन बाद क्रिसमस आने वाला है, खाने पर खर्च करने के बाद मेरे पास सिर्फ यही पैसे बचे खुचे हैं, इससे क्या ही होगा। मार्था खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि उसके बच्चे उसकी बढ़ती परेशानी के पैमाने को देखकर बोल पड़ते हैं।
माँ इन थोड़े पैसों से क्यों ना हम क्रिसमस ट्री बनाकर बाजार में बेचें? हाँ ये ठीक रहेगा। मार्था बचे खुचे पैसों से कुछ ग्लेस पेपर और गोटे और लड़ी मोल लेकर घर आती है और जीसस से प्रे करके क्रिसमस ट्री बनाने लगती है। इस बीच उसकी आंखों में अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने की छवि उभर जाती है, मगर खुली आंखों से देखा ख्वाब सच कहाँ होता है। सुबह से शाम तक मार्था कई सारे क्रिसमस ट्री तैयार कर लेती है, जिसे देखकर उसके बच्चे मार्था की बड़ाई करके उसका साहस बढ़ाते हुए बोलते हैं, अरे वाह माँ, कितना अद्भुत क्रिसमस ट्री बनाया है आपने। हाँ माँ, ये क्रिसमस ट्री तो एकदम असली के जैसा जगमग कर रहा है। बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ इन्हें बेचने, तुम अपना ख्याल रखना। मार्था उन क्रिसमस ट्री को झोले में भरकर बाजार के नुक्कड़ पर बैठी उन क्रिसमस ट्री को सजा धजा कर ग्राहकों को बुलाहट लगाने लगती है। क्रिसमस ट्री ले लो, सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री ले लो, आओ आओ प्यारे बच्चों, क्रिसमस ट्री खरीदो और खुशियां मनाओ। गरीब मार्था ग्राहकों को बुलाहट लगा ही रही थी कि स्मिथ नाम का एक शख्स जो अपने बेटे के साथ वहां से गुजर रहा था, तभी एंथनी के पांव वहीं थम जाते हैं। वो देखो डैडी, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री है, मुझे वो चाहिए। सचमुच एंथनी, वो बहुत ही सुंदर है। इस क्रिसमस ट्री की क्या कीमत है? एक क्रिसमस का पेड़ 50 रुपए का है। ठीक है, 2 दे दीजिए। मार्था को उसके बड़े श्रम के लिए 100 रुपए की शुरुआती कमाई होती है। काफी देरी बाद भी मार्था जाड़े में उस जमीन पर बैठी बाजार में आ जा रहे ग्राहकों को बड़ी बुलाहट लगाती है और देर रात तक घर आती है। समय का चक्र बीतता है, जिसके साथ 15 दिन का पड़ाव पार हो जाता है। बाजार से लौटते हुए मार्था रोजाना पैदल चलकर चर्च आती है और घुटनों पर घंटों बैठकर आंसू बहाते हुए प्रे करती है। जीसस, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मगर मुझे कुछ खास प्रतिफल नहीं मिल रहा। क्रिसमस के पेड़ बनाकर बेचकर भी खास कमाई मेरे हाथ नहीं आ रही। ऐसे कैसे मैं अपने मासूम बच्चों को क्रिसमस पर केक खिलाऊंगी, उनके लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरी मदद करो गॉड, ताकि इस गरीबी में मेरा अंधेर घर भी क्रिसमस की जीती रोशनी से जगमगा उठे। मार्था के आंसू जैसे ही जीसस की मूर्ति को भिगोते हैं, मानो जीसस की मूर्ति जागृत हो जाती है। तभी फादर उसके पास आते हैं। गॉड ने तुम्हारी सुन ली मार्था, उनसे मिलो, ये पीटर है। मैंने आपको बाजार में देखा था, मुझे आपके क्रिसमस ट्री की कारीगरी बेहद पसंद आई। दरअसल मैं हर साल क्रिसमस पर गरीब बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, क्या आप मेरे लिए वो क्रिसमस ट्री बनाएंगी? इसे गरीब बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट मिल जाएगा और एक गरीब माँ को क्रिसमस की खुशी खरीदने के लिए कमाने का निश्चित अवसर। ये सुनकर मार्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह मन ही मन जीसस को शुक्रगुजार कर रही थी। उसकी आंखों के आगे उसके गरीब बच्चों की छवि झलक पड़ती है। गरीब मार्था बिना रुके थके क्रिसमस ट्री बनाती है। वहीं दूसरी ओर उसके गरीब बच्चे आस की गांठ बांध कैलेंडर के एक एक दिन को देखते और क्रिसमस के एक दिन पहले मार्था को उसके मेहनत का प्रतिफल मिलता है। थैंक यू गॉड, इससे मैं अपने बच्चों के खातिर क्रिसमस की खुशियां खरीद पाऊंगी। सूरज की किरण फूटने के साथ 25 दिसंबर का दिन दस्तक देता है। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। तभी मार्था के बच्चे अपने फीके घर को देखकर कहते हैं, माँ क्या सेंटा हमें क्रिसमस के उपहार देने नहीं आएगा? हाँ माँ, हर साल तो सेंटा क्रिसमस से एक रात पहले ही दरवाजे पर आ जाता था, अब की बार ऐसा क्यों? मैरियो डेविड की बात से मार्था का दिल पसीज जाता है और उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और उसकी आंखों के आगे जॉनी की छवि उजागर हो जाती है। मार्था मर्म रुझान में कहती है, बच्चों इस साल सेंटा नहीं आएंगे। मगर क्यों? क्योंकि सेंटा सितारों की आगोश में समा गए हैं, अब वह आसमान में चमकेंगे बिल्कुल इन क्रिसमस ट्री की रंग बिरंगी रोशनी बनकर। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें तोहफा दूं। ये रहा तुम्हारा क्रिसमस का उपहार। अरे वाह माँ, ये पिंक फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ माँ, मेरी भी शर्ट बहुत सुंदर है। ये यप्पी। मार्था से मिला गिफ्ट देखकर गरीब बच्चों का मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल उठता है। वह शाम को नए कपड़े पहनकर मार्था के हाथों बनाया केक काटकर क्रिसमस मनाते हैं। मार्था के घर से गरीबी गायब तो नहीं हुई थी, मगर उसके मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और मार्था ने भी जॉनी के जाने के एक वक्त बाद जीना सीख लिया था।